हेलो इन्वेस्टर्स। तो गाइस आज बात कर लेते हैं फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बारे में। गाइस वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इंट्राडे और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉल्स के लिए एक टेलीग्राम चैनल चालू किया है, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके उस चैनल को देख सकते हैं। आज भी मैंने कॉल्स दी थी जो कि बहुत बेटर गई हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब शेयर के बारे में। इसके ऊपर मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि अब ये शेयर फिर से ऊपर जाने वाला है और अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो कर लेना, ज़्यादा नहीं जाएगा ये, जितना भी जाएगा मैंने उसके अंदर टारगेट दिया हुआ था। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अभी आपको इसके अंदर करना क्या है। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर एक नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है, कोई यूसी एकदम प्रॉपर लगा हुआ नहीं है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे पहले 103 हुआ था, फिर 2 हुआ था, यहाँ पे फिर 7, 9 और 110, और फिर से मतलब आप 5 रुपीज़ वाला इसका पहले जो सिस्टम था वैसा ही इसका चालू हो गया है। तो गाइस आप लोगों को एक सिंपली शॉर्ट बात कहना चाहता हूँ, अगर आप बाय कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिए। अभी इसके अंदर वॉल्यूम है बाय करने के लिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी इसके अंदर से बहुत सारे तो निकल जाएंगे, जो पहले से इसके अंदर ऐड थे वो भी निकलने की पूरी पूरी ट्राई करेंगे। मैं कोई चीज़ की गारंटी लेके आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसे बाय करना है तो आपको प्रॉफिट ही होगा। मैं सिर्फ अकॉर्डिंग टू जो भी रिजल्ट ये दे रहा है और जो भी चल रहा है मार्केट में उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि अभी ये थोड़ा बहुत आगे जाएगा। अगर आप इसके अंदर आज भी इन्वेस्ट करके 10 से 15 रुपये पर शेयर प्रॉफिट निकाल रहे लेते हो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वो आप भी देख सकते हो। मैं एक सिर्फ आपको नोट देने आया हूँ कि आप इसे बाय कर सकते हैं जैसा भी अगर आपको ठीक लगे तो, क्योंकि आज मिल रहा है और पॉजिटिव साइड है आज इसकी 5 रुपये की, जो कि छोटी नहीं है, वो भी बहुत बड़ी साइड है। तो गाइस ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो समझ के आप ज़रूर इसे देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ऐसी वीडियो मेरी आती रहेंगी किसी भी शेयर के ऊपर, जब मुझे प्रॉपर न्यूज़ देनी होगी या फिर कोई भी कॉल्स देनी होगी तो मैं ज़रूर यहाँ पर देता रहूँगा।